हमारे फौजियों की बहादुरी और दिलेरी ने तो हमें कारगिल का युद्ध जितवाया ही है, उसके अलावा हमारे पास एक और तुरुप का पुतपत्ता भी था, वो था ये बोफोर्स गन। ये 155 मिलीमीटर की हाउजर गन है और इस वक्त हम द्रास में एक मीडियम रेजिमेंट की बोफोर्स गन के सामने खड़े हुए हैं। और इसकी खूबसूरती, इस बोफोर्स गन की खूबसूरती ये है कि ये 36 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर सकती है इस पहाड़ी इलाके में। और कारगिल के जंग में इसने हर रोज 5000 शेल्स बोफोर्स की गन से ही फायर होते थे। और ऐसा माना जाता है कि पूरी जंग के दौरान, जो 2 महीने से भी ज़्यादा चली थी कारगिल की जंग 1999 में, उसमें हमने 2 लाख से ज़्यादा शेल्स सिर्फ बोफोर्स गन से फायर किए थे। तो ये हमें जितवाने के लिए इतनी इंस्ट्रूमेंटल थी कारगिल की लड़ाई को कि 0.4875 कॉम्प्लेक्स का एक जो पीक है उसे गन हिल के नाम से जाना जाता है। इसे एक श्रद्धांजलि देने के लिए आर्टिलरी गन्स को, इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो है इसका रेट ऑफ फायर। अगर इसको आप बर्स्ट रेट में रखें, यानी कि एक के बाद एक फायरिंग रेट में मोड में रखें, तो ये 3 राउंड्स हर 14 सेकंड में फायर कर सकती है। और सस्टेन मोड में रखें तो 6 राउंड्स हर अल्टरनेट मिनट में फायर करती है। एमिनेशन पॉइंट आ गया जब हम सेल वगैरह रखते हैं और इसकी मदद से हम सेल को रैम करके बैरल के अंदर ये करते डालते हैं। नेक्स्ट उसके मेन भी लोग रहेगा, ये जो गन का क्रू है, क्रू के सेटिंग के लिए जगह बने, सेम अदर लोकेशन जो ऑपोजिट साइड है उस साइड में भी सेटिंग के लोकेशन बने हुई है। यहाँ पे ड्राइवर इसे बैठ कर चलाए तो ये सेल्फ प्रोपेल्ड मोड में होती है, तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। और यदि ये टोड मोड में चले, यानी कि इसे एक व्हीकल खींच कर लेके जाए, तो और भी ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ जाती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाती है। बोफोर्स गन सिस्टम का एक बड़ा ही क्रिटिकल पार्ट होता है कमांड पोस्ट का, जो कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट से डाटा लेता है या तो केबल के थ्रू या वायरलेसली। और आज हमारे साथ नायब सूबेदार रंजीत आर हैं जो कमांड पोस्ट के अंदर काम करते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है उसमें से जो आया हुआ डाटा हम रेडिएटर थ्रू या वायरलेस वायर थ्रू इधर हमारे पास आ जाता है, उस डाटा को हम गन के अंदर जो डाटा लगता है उस पे हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो बैरिंग और रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं। उधर से और कोई रूप में आता है और हम उस डाटा को मशीन थ्रू कंप्यूटर थ्रू उस डाटा को गन के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। कारगिल की लड़ाई के बाद अगर इंडियन आर्मी में अगर किसी भी आर्टिलरी ऑफिसर या जवान से पूछा जाए कि गॉड ऑफ वॉर, जो कि आर्टिलरी के लिए एक फ्रेज काफी यूज किया जाता है, वो किस गन के लिए यूज हुआ था, तो वो बेशक बगैर सोचे बेझिझक कहेंगे कि वो बोफोर्स के लिए यूज किया गया था। कैमरा पर्सन बशरत और मंसूर के साथ द्रास से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए।